कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, इसको आरएसएस चला रही है। और भाजपा तो एक मुखौटा है, और आरएसएस जो है इस देश में, मैं आपको बता दूं, ये जो धर्म वर्म का मामला है ना, हम लोगों का ये मानना है समाजवादियों का कि ये मनुष्यों का, इंसानों का बहुत पर्सनल मामला है। घर में हम पूजा कर रहे हैं, घर में हम नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, ये हमारा निजी मामला है, भगवान और हमारे बीच का मामला है। मेरे और आपके बीच का मामला है वो ये है, दवाई का क्या हुआ, कमाई का क्या हुआ, पढ़ाई का क्या हुआ। जब जनता दवाई कमाई पढ़ाई की बात करती है तो बोलते हैं कि हम पानी का जहाज उतार रहे हैं। पानी के जहाज से क्या रोजगार मिलेगा? आप जनता का ध्यान भटकाते हो, 2017 में आते हो, देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि जनाब ईद और दिवाली क्या कहते हैं, शमशान और कब्रिस्तान। हमारा भाजपा के लोगों से ये कहना है, इस देश में धर्म हजारों हजार साल से, हमको पूजा पाठ करना हजार साल पहले से आता है, दशहरा कैसे मनाया जाता है हजार साल पहले से आता है, दीपावली कैसे मनाई जाती है हजार साल पहले से आता है, ईद कैसे होती है हजार साल पहले से होता है। हमको आप धर्म और मत समझाओ, ये बताओ 15 लाख रुपया अमेरिका की एक, जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के प्रेसिडेंट, बीजेपी आरएसएस के लोग उनको भगवान मानते हैं, और एक उन्हीं की सरकार की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद इस देश में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, उस पर बहुत खतरनाक तरीके से हमले बढ़े, चाहे वो गौ आतंकियों के जरिए बढ़े हों, चाहे वो पूरे देश में मॉब लिंचिंग के जरिए बढ़े हों, और मॉब लिंचिंग के जो अक्यूज्ड हैं जब उनको कोर्ट कन्विक्ट कर देती है तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री जसवंत सिन्हा के बेटे वो जो है उसको फूल माला पहना के वेलकम करते हैं। को सही बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी को काम करने का कोई तजर्बा नहीं है और कोई सलीका नहीं है, वही आईएएस, वही आईपीएस, वही चीफ सेक्रेटरी, वही कैबिनेट सेक्रेटरी जो अखिलेश जी के नेतृत्व में जब था, तो इस देश में भारत का सबसे बड़ा सड़क बना, एक्सप्रेसवे बना, वही आईएएस, वही आईपीएस थे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 11-12 की बेटियों के लिए स्कॉलरशिप हुई। हमारे गरीब लोगों की जो लड़कियां हैं, एक रिपोर्ट थी भारत सरकार की, वो ड्रॉप आउट हो जाता है, फीस नहीं होता है। तो अखिलेश जी ने सोचा कि जो गाँव की हमारी एक लड़की है, उन्होंने उसमें धर्म नहीं देखा कि जो ड्रॉप आउट होते हैं तो उसका फीस, उसकी किताबें, उसका बस्ता सब हो जाएगा। अखिलेश जी ने जो है पेंशन का इंतजाम किया, इवन जौनपुर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो देने का काम किया, जो 2017 में पूरा हो जाना चाहिए था, उसका ओपीडी खुल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक उसका कोई आता पता नहीं है। तो जौनपुर के जो लोकसभा के एमपी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, हमें लगता है कि ये विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि उत्तर प्रदेश का नाम चीलम प्रदेश में रख दिया जाए, क्योंकि विकास नहीं हो पा रहा है। आप सैमसंग का जो फैक्ट्री जो अखिलेश यादव जी ने लगाई थी, आप गए फीता काट आए, आपने मेट्रो जो शुरू की थी अखिलेश यादव जी ने, प्रधानमंत्री के बुला के फीता काट आए, पूर्वांचल में जो एक्सप्रेसवे लेन बने थे उसमें गए मोदी जी से फीता कटवा आए, और अभी दुनिया का टॉप स्टेडियम जो हमारे इस देश के नौजवानों को अखिलेश यादव जी ने बना के दिया, एक दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी का नाम चेप आए और इनॉग्रेट कराए, और अखिलेश यादव जी का कहीं नाम ही नहीं है उसके अंदर। ये दिखाता है कि ये सरकार एक बहुत ही निकम्मी सरकार है, और योगी जी को काम करने का कोई सलीका, कोई तरीका नहीं पता। जनता ने गठबंधन कर लिया है, नीला लाल एक हो गया है, अभी नीला लाल का चर्चा ही है एक होगा कि आरएसएस की जो दो फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर और फूलपुर, समाजवादी विचारधारा की डायनामाइट लगा के समाजवादी ने उसको उड़ा दिया। ये जनता का गठबंधन है, क्योंकि जनता में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, गरीबों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, सभी परेशान हैं। और ये जो अखिलेश यादव ने रास्ता दिखाया उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके,
इसी रास्ते से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का कोई रास्ता निकल सकता है।